जाना जो सुमिरे भो पार हो जाए। बनेंगे बिगड़ सारे काम रे प्राणी उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भो पार हो जाए। जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जो अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे, किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी। मरा का उल्टा राम होता है और राम नाम की जाप का असर ये हुआ कि वाल्मीकि तीनों लोकों के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि वाल्मीकि बने और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना उन्होंने ही की। उनके पाप तमाम परम पद अंत में पाए। सुमिरि पवन सुत पावन नामा अपने वश करि राखे उरामा। वीर हनुमान जिन्हें भक्त शिरोमणि हनुमान कहा जाता है, उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं। ये सारा कमाल तो प्रभु श्री राम का है जो ऐसे दयालु हैं कि उनका नाम जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है प्रभु श्री राम हर पल उसके समीप रहते हैं। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है से श्री राम वो सीना हाड़ दिखलाए। पाप और पापी से हारे धरती से जब संत पुकारे। त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे ऋषि महर्षि राक्षसों के अत्याचार से परेशान रहा करते थे। राक्षस ऋषियों के हर पुनीत कार्य में बाधा डाल दिया करते थे। ऋषियों की पुकार सुनके भगवान विष्णु प्रभु श्रीराम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वध किया और फिर ऋषिगण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे।
राम किए असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। आज इंसान जात पात के चक्कर में इंसान से ही नफरत करने लगा है, मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु श्री राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाए थे। उसी जूठे बेर को लक्ष्मण जी ने खाने से इनकार कर दिया था। फिर उसी बेर का उपयोग लक्ष्मण जी की जान को बचाने के लिए किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये गुण जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। भगत के वश में हुए भगवान, वो जूठे बेर भी खाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख दे रहे थे वो पत्थर तैर जा रहा था। प्रभु श्री राम ने भी एक पत्थर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फेंका वो पत्थर डूब गया। हैरान होकर प्रभु श्री राम ने नलनील से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब नलनील ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभु श्री राम को बताई कि भगवान आप जिसे छोड़ दें उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। लाते लिख दिया श्री राम, वो पत्थर डूब ना पाए। बुराई का अंत। तो एक बार सब एक साथ बोलिए।